This is Ghulam Mustafa, you're watching my channel Life is a Travel Gem. Your first time visiting on my channel, so subscribe my channel and also turn on the bell icon to get on mission. Today I have to reach and going for forest and remembering some different guys. So यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुँचे हुए हैं जो जाने वाले थे कुछ, मतलब एक छोटा जो बोलते हैं बचपन में हम लोग सुनते थे कि एक यार भूलभुलैया था, हम लोग ग्रैंड फादर से पूछे थे तो बता रहे थे कि ये भूलभुलैया, बट वो नहीं था बचपन में हम लोग उसी फ्रेंड। तो यहाँ पे भी हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुँचे फ्रेंड, यहाँ पे भी हम लोग तेल डलाएंगे, तेल डलाने के बाद में जाएंगे। हम जाने वाले हैं यहाँ पर देखने के लिए जो मेरे फ्रेंड हैं जिनका नाम अब्दुल रहमान है, तो चलते देख सकते हैं कुछ सीन है जो ये बंधा इसको बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और जाएंगे आगे का सीन है जो दिखाते रहेंगे फ्रेंड, बट यहाँ पे कुछ सीन है ये देख लिए ये बंधा। और मेरे बैक साइड में जो ये नहर देख सकते हैं, यहाँ पर ये नहर इस साइड से इस फील्ड में पानी जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी देख लें कुछ बैक साइड का। ऊपर जाते हैं, ऊपर देखने के बाद में देखते हैं क्या क्या सीन है वो सारी चीज़ें में। तो फ्रेंड अभी मैं इधर से आ गया हूँ इस साइड में, और इस साइड से अभी हम जाने वाले हैं ऊपर, और ऊपर देखते हैं क्या क्या जो लगे होते हैं वो पुर्जे जो ढील करते हैं, टाइट करते हैं, जो पानी को कम ज़्यादा करने का वक्त लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सीन है जो बैक साइड में देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो लगे हुए हैं जो इसको मतलब कितना क्या पानी छोड़ना रहता है उस हिसाब से यहाँ पर जो है उस चीज़ को ये मैनेज करते हैं, यहाँ पर मैनेज किया जाता है, फिर उसके बाद में जो इस साइड में छोड़ते हैं पानी। ये देख लें फ्रेंड यहाँ पर कुछ सीन है जो, अब हम चलते हैं डाउन साइड में और वहाँ पे जाएंगे आगे का सीन जो है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। में पहुँचे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा घना सा जंगल है यार, देख सकते हैं कुछ मतलब गन्ने भी है यहाँ पे, और अभी हम लोग इस साइड से जाने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने से डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस रास्ते से आ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा किस किस तरीके से कहाँ पर जाना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो है नेटवर्क भी नहीं है इसीलिए मैं मुझे पूछना पड़ रहा है फ्रेंड। तो चलिए अभी चलते हैं और यहाँ पर देख लें कुछ जो मेरे अपने हैं जो हाथों को उठा कर विश कर रहे हैं, और इसको देख सकते हैं कुछ बैक साइड में क्या कर रहा हो, तो आप लोग देख के समझ चुके होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो उन लोग को देख लिया यहाँ पे फिर। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये एक मतलब छोटा मोटा चौराहा इसको बोलते हैं फ्रेंड, तो अभी हम इस साइड से जाएंगे जो फॉरेस्ट है काफ़ी बड़ा है फ्रेंड। तो अभी चलिए हम यहाँ पे जो है बिस्कुट खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ जो मंकी मिलते हैं तो उन लोगों को खिलाना रहेगा फ्रेंड, तो चलिए लेता हूँ। तो जैसा कि अभी हम जो है वो ले चुके हैं यहाँ पर देख, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे का सीन है जो शेयर करता हूँ फ्रेंड। दिन पहले आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहा था वो वीडियो, काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यू भी आ रहे थे फ्रेंड, मिलियन मिलियन व्यू भी आ रहे थे फ्रेंड। तो आपने देखा होगा कि जीसीबी खुदाई यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मतलब एक जीसीबी है जो खड़ी हुई है फ्रेंड, अभी प्रेजेंट टाइम में वो कुछ भी नहीं वर्क नहीं चल रहा है, सिर्फ वो स्टैंड यहाँ पर खड़ा हुआ है फ्रेंड, और देख सकते हैं कुछ मतलब खुदाई उदाई नहीं हो रहा। और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो आया था वो यूट्यूब पर आया था फ्रेंड और ट्रेंडिंग में हो गया था वो सारी वीडियो, तो मैं सोचा चलो रास्ते में चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ सीन देखा तो बनाते चले फ्रेंड। तो अभी चलते हैं आगे का कुछ जो सीन है वो शेयर करता रहूँगा फिर। यहाँ का कुछ सीन है जो देख लें बैक साइड का, काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में काफ़ी बड़ा जंगल सा है फ्रेंड। तो और इस साइड का देख लें कुछ मतलब सीन जो है ये मतलब फ्रेंड ये गवर्नमेंट ऑफ स्कूल है, तो ये अभी ताले लगे हुए क्योंकि आज संडे फ्रेंड, ये लोग आप ही जानते हैं क्योंकि संडे के दिन हर स्कूल बंद रहता है। चीज़ है जो बैक साइड का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जो मतलब मिट्टी को खोन के उसके अंदर से जो बोलते हैं सब्जी निकाला जाता है उसका मतलब कुछ जो सीन है वो दिखाऊंगा फ्रेंड। यहाँ पे जो बैक साइड में देख लें यहाँ पे कुछ लोग जो है उसको खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करके उसको निकालते हैं फ्रेंड। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ कुछ सीन यहाँ फ्रेंड। तो ये है कुछ मतलब ये इसको सब्जी बोलते हैं जो ज़मीन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा गहराई से उसको खोद के निकाला जाता है, और काफ़ी ये सॉफ्ट भी है, नरम भी है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैं अपने हाथों से जो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि फ्रेंड ये कितना मतलब सॉफ्ट है, इसलिए ये कैसा भी जैसा भी करो उस आकार में मुड़ जाता है फ्रेंड। तो चलिए अभी चलते हैं आगे का सीन। जो सीन है मतलब उस सर के ऊपर जो रख के घास वगैरह वो सब मतलब बोलते हैं, यहाँ में करेले की जो है वो खेती की जाती है फ्रेंड। यहाँ पे देख लें कुछ करेले की जो सब्जी ये सब उगाई जा रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लें काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये सीन कुछ इस साइड से देख लें, यहाँ से मतलब काफ़ी लंबाइयों में फ्रेंड, और ये सीन भी देख लें काफ़ी देखने में अच्छा सा लग फ्रेंड। ये है करेले और यहाँ पे देखने ये करेले लगे हुए हैं फ्रेंड, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है इसके अंदर आने के बाद। मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे टच नहीं कर सकता इस चीज़ को फ्रेंड, क्योंकि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ख़राब हो जाता है जो डैमेज हो जाता है फ्रेंड। तो ये रहा
हैं, मतलब कुछ ये डाउन साइड से अप साइड में करके रखते हैं। यहाँ पे जो रात में कुछ जानवर वगैरह आते रहते हैं तो उन लोग को यहाँ पे मतलब भगाने के लिए यहाँ पे देख ले कुछ टाट से रून के अंदर लेटे हुए हैं। एक मतलब चाचा जी हैं इन साइड में फ्रेंड, तो ये कुछ मतलब सीन देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो बुजुर्ग हैं, उनसे मैं बात नहीं कर सकता फ्रेंड। और तो ये रहा बस यही सारे सीन है फ्रेंड। तो अभी हम जो है इस साइड में जाएंगे या जंगल में, यहाँ जंगल में जाने के बाद फ्रेंड में देखेंगे वहाँ पे कुछ मंकी वगैरह रहते हैं, तो उन लोग के लिए मैं तो कुछ परचेज भी किया हूँ, उन लोगों को खिलाऊंगा वहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड। तो चलिए चल तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ये मतलब बिस्किट है और अभी जा रहे हैं मंकी को मतलब खिलाने। यहाँ पे देख सकते हैं बस कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, एक ही दो फ्रेंड यहाँ पे। तो चलिए मैं सारे फेंक देता हूँ और ये खा लेगा खुद के हिसाब से फ्रेंड ढूंढ के इसको। ये देखो यहाँ पे देख, ये मुझे से डर रहा है फ्रेंड। वैसे तो मुझे डरना चाहिए था बट ये क्या है एक्चुअली मुझे से डर रहा है। अच्छी बात है जो डर रहा है, नहीं तो कुछ भी कर सकता है। हम लोग मतलब 5 साल 6 साल पहले यहाँ पे आए हुए थे फ्रेंड, जो डीपी लिए हुए थे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो पहले का डीपी था फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरे साथ में जो आया हुआ है फ्रेंड, वो उस साइड में खड़ा है फ्रेंड, जिसका नाम उस्मान, वो उसका नाम भी विराट था फ्रेंड। तो इस समय है नहीं फ्रेंड, बस हम ही दो तीन लोग यहाँ पे आए हुए थे। मेरे कुछ अपने जो मतलब सपनों में हमेशा खोए रहते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैं जो 2013 में आया था से लगभग 6-7 साल पहले फ्रेंड, तो यहाँ पे एक बुजुर्ग हुआ करते थे जिनका एज मतलब 113 साल था। उनसे मैंने पूछा था फ्रेंड, और वो आँखों से देख भी नहीं सकते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मंकी मतलब परेशान करते थे। उनके धोती और कुर्ते को वो छीन के पेड़ों पे लेके चले जाते थे फ्रेंड, और फिर भी वो पता नहीं कैसे क्या था उनके अंदर टेक्नोलॉजी था कि फ्रेंड वो कुछ चीज़ को ढूंढ लिया करते थे। तो अभी जो है फ्रेंड मैं उनका एक डीपी दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड, जो मैं 6 साल पहले उनके साथ में डीपी लिया था फ्रेंड। तो यहाँ पर देख लें कुछ ये डीपी है फ्रेंड, तो देख लें काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में लग रहा होगा आपको आँखें भी दिख रही होंगी फ्रेंड, क्योंकि उनकी आंखें मतलब वो खुली नहीं रहता फ्रेंड, मतलब वो कुछ पता नहीं क्या नाबीना कि क्या बोलते, कुछ दिन के बाद हो गया था, काफ़ी वो पढ़े लिखे हुए थे फ्रेंड। तो यहीं पे वो मतलब इसके अंदर जो थे वो खाने वगैरह सब बनाया करते थे, कोई उन्हें खाना भी नहीं ला के देता था। अब शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो है आवाज़ और फिर लॉक, ये दोनों देख सकते हैं फ्रेंड। तो सीन देख सकते हैं, और जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो मतलब बताया करते थे फ्रेंड ये है जो भूल भुलैया है, लेकिन एक्चुअली मैं था नहीं इससे पहले, जो है मैं लखनऊ जा चुका हूँ। वहाँ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो हकीकत में भूल भुलैया था वो वाला देख लेंगे आप लोग। और ये है मतलब काफ़ी बड़े आदमी जो काफ़ी ज़्यादा पुराना वो घर है फ्रेंड, ये देख लें कुछ सीन है। और कोई आदमी इसके अंदर नहीं दिख रहा, बट आई कैन नॉट गो इनसाइड, एंड काफ़ी पुराना सा दिख रहा है बट मैं जा नहीं सकता। तो कुछ भी है जो बाहर का सीन था वो दिखा दिया फ्रेंड।